इन लास्ट क्लास जूलॉजी में हमने क्या किया था बेटा? हार्ट हार्ट वॉल तक देखा था, हार्ट की वॉल तक देखा था बेटा, है ना। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर अभी चल रहा है हार्ट का, तो आज और जो पार्ट्स हैं हार्ट के बेटा, एक्सटर्नल पार्ट, उसको देखते हैं पहले हम लोग। एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ऐसे है ना। कॉपी करते रहो साथ के साथ। आप लोग भी साथ के साथ कॉपी करते रहो बच्चों। आपने 10th में भी पढ़ा है इसको, हार्ट को। आप लोग बोलते रहोगे, मैं लिखूंगा, ठीक है। आज दूसरी वाली स्क्रीन बंद है, इसलिए मैंने फ्रंट कैमरा ऑन किया हुआ है, ठीक है। उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, तो चलो। पहली बात कि आप इसे बताओ, ये कौन, ये क्या है, ये जो ट्यूब है, ये इसको क्या बोलते हैं? आप लोग लिखो जरा, तो इसको क्या बोलते हैं? मैं फिर से बता दूं, इसे इसे मैं पूछ रहा हूं, क्या है ये, इसका नाम क्या है? 10th में पढ़ा है आपने, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। अवोल्टा। अच्छा, अगर ये अवोल्टा है बेटा, अगर ये अवोल्टा है तो ये क्या है? मैंने तो इसको पूछा है, ये क्या है? सॉरी, पल्मोनरी आर्टरी। मोहित, शाबाश बेटा, बहुत बढ़िया, यही तो है क्या? पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी आर्टरी, और ये क्या है? मैं भी थी भेज रहा था, चलो कोई नहीं। ये है बेटा इंफीरियर, सॉरी सुपीरियर वेना कैवा, और ये है इंफीरियर वेना कैवा, और ये क्या है? दोनों,
ये दोनों क्या हैं? पल्मोनरी वेन में, पल्मोनरी वेन में बेटा ऑक्सीजिनेटेड ब्लड का फ्लो करता है या डीऑक्सीजिनेटेड? पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरी करता है पल्मोनरी वेन और डीऑक्सीजिनेटेड? नहीं पता? ऑक्सीजिनेटेड, बिल्कुल सही बात है। यहां पे बेटा ऑक्सीजिनेटेड ब्लड कैरी, शाबाश, बहुत बढ़िया जानते हो आप लोग। ठीक है, अब इधर देखो, ये जो है एक्सटर्नली राइट एट्रियम है, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये राइट वेंट्रिकल है, ठीक। और ये है अवोटा, ये क्या है बेटा? अवोटा ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके बाहर निकल रहा है हार्ट से, पूरे बॉडी को डिस्ट्रीब्यूट करेगा अवोटा। तो देखो बेटा, बिटवीन अबोर्टा एंड पल्मोनरी आर्क ऑफ अबोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, एक्चुअल में इसको हम क्या बोलेंगे, पल्मोनरी ट्रंक। यहां पे देखो दोनों मिले हुए हैं ऐसा, मतलब इधर से ब्लड इधर आ सकता है, लेकिन कब? ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक कंडीशन, ड्यूरिंग इम्ब्रियोनिक कंडीशन अवोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक कनेक्टेड विद ईच अदर थ्रू अ डक्ट, कनेक्टेड विद अ डक्ट कॉल्ड लिगामेंटम आर्टेरियोसम। इसको क्या बोलते हैं बेटा? लिगामेंटम आर्टेरियोसम, लेकिन कब? लिगामेंटम आर्टेरियोसम कब बोलते हैं? जब ये पाथवे क्लोज हो जाता है बेटा, बंद हो जाता है तब। मतलब ये इम्ब्रियोनिक कनेक्शन था जो अब बंद हो चुका है। ध्यान से सुनो मेरी बात, ठीक है। ये क्या करता है बेटा? प्रेजेंट रिप्रेजेंट लिगामेंटम आर्टेरियोसम रिप्रेजेंट इम्ब्रियोनिक कनेक्शन बिटवीन अवोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसको क्या बोलते हैं बेटा? इसका थोड़ा सा नाम उल्टा कर देते हैं हम, डक्टस आर्टेरियोसस। एम्ब्रियोनिक कंडीशन में इसको हम डक्टस आर्टेरियोसस बोलते हैं या बोटाइली भी बोलेंगे। तो इसके बारे में लिख लेते हैं कि लिगामेंटम आर्टेरियोसम है क्या चीज। रिप्रेजेंट इम्ब्रियोनिक कनेक्शन बिटवीन अवोर्टा एंड पल्मोनरी ट्रंक, पल्मोनरी ट्रंक, ठीक है। दूसरी बात, इन एम्ब्रियोनिक स्टेज इट इज कॉल्ड डक्टस आर्टेरियोसस। एम्ब्रियोनिक स्टेज में इसी को क्या बोलते हैं जब ये खुला रहता है? तो डक्टस आर्टेरियोसस, ठीक है, या इसी को हम बोलते हैं बेटा बोटाइली, BOTALLI, बोटाइली। अब एक बात बताओ, यहां पर ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है और इसमें डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है,
और इम्ब्रियोनिक स्टेज में ये दोनों मिले हुए होते हैं। रीजन इसका ये है बेटा कि जो प्लेसेंटा होता है, प्लेसेंटा में फीटस से जो आर्टरी और वेन जाती हैं एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए, न्यूट्रिएंट्स के एब्जॉर्प्शन के लिए बेटा, उसमें यहाँ पे वहां पे उल्टा बात होती है। वहां की जो आर्टरी, जो अम्बिलिकल कार्ड में आर्टरी होती है बेटा, वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है बेटा, और जो वेन वहां से ब्लड लेके आती है प्लेसेंटा से टुवर्ड्स द फीटस, वो वेन बोलते हैं उसको, और वो होता है उसमें जो ब्लड होता है बेटा वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है और न्यूट्रिएंट रिच ब्लड होता है। तो इम्ब्रियोनिक स्टेज में लंग्स तो काम नहीं करता ना, ये बात मैंने आपको बताई है। इम्ब्रियोनिक स्टेज में लंग्स तो काम नहीं करता, बंद रहता है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस के लिए लंग्स का कोई रोल नहीं है, प्लेसेंटा से वो होता है, मदर के प्लेसेंटा से होता है। तो इसलिए ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट के अंदर और हार्ट से बाहर मिक्सअप किया जाता है। तो एक मिक्सिंग की जगह तो आपने देखा बिटवीन पल्मोनरी ट्रंक एंड अबोर्टा, राइट। दूसरा जो है पॉइंट है वो बिटवीन राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम, एक होल होता है बेटा हार्ट के अंदर, जो आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रीदिंग वो बंद हो जाता है। अगर नहीं बंद हो पाता है तो लोग बोलते हैं कि बच्चे के दिल में छेद है, फिर उसको बंद करना पड़ता है ऑपरेट करके। समझ में आ गई बात। बाकी का हम इम्ब्रियोलॉजी में पढ़ेंगे, प्लस टू का जब ह्यूमन इम्ब्रियोलॉजी पढ़ेंगे बेटा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन, तो वहां पे पढ़ेंगे हम लोग, है ना। बट यहां तक आपको बात क्लियर हुई या नहीं? क्लियर है यहां तक? यहां तक क्लियर है? अगर क्लियर है बेटा तो एस लिखो, नहीं है तो नो लिखो। ठीक है बेटा, Why both? एक बच्चे ने पूछा है कुछ। Why both blood mix? देखो बेटा, दोनों ब्लड मिक्स इसलिए होता है एम्ब्रियोनिक स्टेज में कि जहां पे उसको ऑक्सीजनेटेड फ्लो होना चाहिए वहां पे तो डीऑक्सीजनेटेड है, क्योंकि लंग्स तो नहीं काम कर रहा है ना, लंग्स तो बंद है। एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहां पे हो रहा है? प्लेसेंटा में हो रहा है, और वहां पे आर्टरी जा रही है तो वो आर्टरी जो है डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही है, क्योंकि लंग्स नहीं है ना। समझ रहे हो? बाकी का आप बाद में समझ में आएगा आपको। वॉल पोर के कारण रीजन और भी बहुत सारे हैं बेटा, बाद में पता चलेगा, अभी तो बस हार्ट का स्ट्रक्चर देख लो। यहां तक समझ में आ गया होगा आपको। अब देखो, ये जो है इसको बोलते हैं बेटा, जो ब्रांचिंग आप देख रहे हो बाहर बाहर दिखती है हमें ब्रांचिंग, तो ये राइट की तरफ आ रही है, इसको बोलते हैं राइट कोरोनरी आर्टरी, राइट कोरोनरी आर्टरी। तो पहले हम आपको कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, कोरोनरी सिस्टम, ये दोनों मिलके क्या बनाते हैं बेटा? कोरोनरी सिस्टम। क्या आप लोगों को कोरोनरी सिस्टम पता है या नहीं है? कोरोनरी सिस्टम आपको पता है या नहीं? हाँ या ना? पता है सौम्य संजय, पता है रवि रंजन, नो मोहित, नो अर्नव, नो नवदीप एस, दो लोगों को पता है बेटा कोरोनरी, बाकी को नहीं पता है। तो देखो बेटा, ये तो बहुत टाइम लग, एक छोटी सी बात है, इसको समझाने में बहुत टाइम लगेगा, मैं कोशिश करता हूं कि समझा दूं। देखो
बेटा ये हार्ट की वॉल है, ये जो है मेरी मेरे हाथ का जो थिकनेस है बेटा, ये हार्ट की वॉल है। इसमें जो हार्ट के वॉल के जो सेल्स है बेटा, उनको ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है और न्यूट्रिएंट्स की भी रिक्वायरमेंट है। जैसे हमारे बॉडी के दूसरे ऑर्गन्स और सेल्स हैं, उसी तरह से हार्ट के भी टिश्यू और सेल्स हैं बेटा। तो जैसे हमारे बॉडी के पूरे ऑर्गन्स और सेल्स को न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन रिच ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है बेटा, ऐसे वैसे ही हार्ट के सेल्स को भी रिक्वायरमेंट होगी न्यूट्रिएंट्स की और ऑक्सीजन की। ठीक है, तो बॉडी के जितने भी सेल्स हैं बेटा, उनको ब्लड की सप्लाई फाइन ब्लड वेसल्स के थ्रू है, जिसको कि हम ब्लड कैपेलरीज बोलते हैं। ब्लड कैपिलरीज, फाइन ब्लड कैपिलरीज से वो न्यूट्रिएंट्स को और ऑक्सीजन को रिसीव करते हैं। वैसे ही हमारे हार्ट के सेल्स भी ब्लड से ही न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को रिसीव करेंगे। तो आपको बताना है, जिन्होंने नो लिखा था उनको बताना है कि बेटा हार्ट में तो ब्लड फ्लो कर रहा है, तो हार्ट के सेल्स क्या उसमें जो ब्लड फ्लो हो रहा है उसी से न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब करेंगे या नहीं? अर्नाउ नो, ठीक बात है, और बताओ। नो नो नो, ठीक है, बहुत अच्छा। वो उससे एब्जॉर्ब नहीं कर सकते, बिकॉज राइट एट्रियम कैरी डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम कैरी ऑक्सीजनेटेड ब्लड। मतलब राइट और लेफ्ट में दोनों में डिफरेंस है बेटा, एक ऑक्सीजनेटेड को कैरी कर रहा है, दूसरा डीऑक्सीजनेटेड को। तो जो हार्ट के अंदर ब्लड का फ्लो है उससे वो न्यूट्रिएंट्स और ऑक्सीजन ले ही नहीं सकता, नहीं ले सकता। फिर क्या होता है देखो, मैं बताता हूं आपको। वैसे तो हम इंटरनल स्ट्रक्चर बताएंगे ना जब, तो उसमें भी बताएंगे ये बात। ये जो अबोर्टा है ना, ये अबोर्टा, इसमें ऑक्सीजन रिच ब्लड है, ये ऑक्सीजन रिच ब्लड है, तो ऑक्सीजनेटेड ब्लड। तो यहां से एक ब्रांच निकलती है बेटा और पूरे हार्ट के वॉल में रन करती है। मतलब कि ये अगर हार्ट का वॉल है, मेरे मेरे पाम का जो थिकनेस, ये हाथ का जो थिकनेस है बेटा, ये वाला थिकनेस जो देख रहे हो, तो इसके अंदर ब्लड वेसल्स के थ्रू ब्लड को पहुंचाया जाता है। और वो ब्लड निकलता कहां से है? अवोटा के बेस से बेटा, बेस ऑफ द अवोटा, देख रहे हो यहां से। और पूरे हार्ट के वॉल को ब्लड की सप्लाई करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को इकट्ठा करके बेटा लेके आएगा, और एक वेसल के थ्रू ओपन होगा राइट एट्रियम के अंदर। ठीक है, समझ में आ गई बात? तो ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम विद इन द हार्ट वॉल इज कॉल्ड कोरोनरी सिस्टम, कोरोनरी सिस्टम। तो जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जाएगा वो कोरोनरी आर्टरी, और जो डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके कैरी करेगा फ्रॉम सेल्स ऑफ हार्ट टू राइट एट्रियम इज कॉल्ड कोरोनरी वेन। तो कोरोनरी वेन एंड कोरोनरी आर्टरी, सभी को समझ में आ गया? सबको समझ में आ गया तो लिखो, जिसने जिसने नो लिखा था। ठीक है, मोहित, नवदीप, मतलब मैं ये समझूं कि आपको सभी लोगों को कोरोनरी सिस्टम समझ में आ गया, क्लियर हो गया? बिल्कुल सही बात है, कोरोनरी सिस्टम। तो देखो बेटा, ये होगा कोरोनरी, राइट कोरोनरी आर्टरी, तो ये क्या होगा? लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी ये हो जाएगा बेटा, लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी। ठीक बात है, और ये जो है बेटा, ये एट्रियो, सॉरी, इंटर वेंट्रिकुलर कोरोनरी आर्टरी, इसको वेंट बोल सकते हैं।
या एंटीरियर साइड में है, ये पोस्टीरियर साइड होता है, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एंटीरियर एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर साइनस और कोरोनरी आर्टरी। अब देखो जैसे ही आर्टरी पास होती है तो हार्ट को बाहर से कभी देखना यूट्यूब पे या कहीं देखा होगा आप लोगों ने, तो एक ग्रूव के जैसा दिखाई देता है, ग्रूव ग्रूव मतलब एक डिप्रेशन दिखाई देता है उसमें, तो इसको उसी के नाम पे ऐसे दबा हुआ थोड़ा सा दिखाई देगा, डिप्रेशन दिखाई देगा बेटा। तो इस प्लेस को जो डिप्रेशन है बेटा, एक्चुअल में जो डिप्रेशन है यहाँ पे, जो डिप्रेशन है उसको हम बोलते हैं ग्रूव या डिप्रेशन, ठीक है, या सल्कस बोल सकते हैं, ग्रूव या सल्कस या डिप्रेशन। तो इसको इसको हम बोल सकते हैं बेटा एंटीरियर इंटर वेंट्रिकुलर ग्रूव और सल्कस, ग्रूव और सल्कस। इसी तरह से यहां भी डिप्रेशन होगा बेटा, उसको लेफ्ट लेफ्ट कोरोनरी सल्कस, बिल्कुल सेप्टम तो अंदर है बेटे नवदीप, सेप्टम तो अंदर है, यहाँ पे सल्कस बोलेंगे, मतलब ग्रूव है, डिप्रेशन है, बाहर से देख रहे हैं ना हम हार्ट को, अंदर तो अभी देख नहीं रहे हम, बाहर से देख रहे हैं बेटा, तो इसको क्या बोलेंगे, सल्कस बोलेंगे या ग्रूव बोलेंगे। इसको क्या बोलेंगे बेटा, राइट कोरोनरी सल्कस और ग्रूव, ठीक है, बाहर से देख रहे हैं। तो ये क्लियर हो गया बेटा, अब चलते हैं थोड़ा सा इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ें, इसको मैं इरेज करने जा रहा हूं बेटा, मिटाऊंगा अब, स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। कार्डियक आर्टरी एंड कार्डियक वेन, नो, क्या बोल रहे हो, कार्डियक आर्टरी और कार्डियक वेन वही तो है, कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन, ठीक है, कार्डिया हम वर्ड यूज करते हैं बेटा हार्ट के लिए, ठीक है ना। तो स्क्रीनशॉट ले लिया, मैं इसको इरेज करता हूं, इंटरनल स्ट्रक्चर। तो अभी हम जो कुछ भी बनाएंगे बेटा वो एग्जैक्टली जो हार्ट का शेप होता है, साइज होती है, वैसा नहीं बना रहे हैं। हाँ, उसके जो चेम्बर्स होते हैं उसके रिस्पेक्ट में एक डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन बस है ये जो मैं बनाने जा रहा हूं। देखो बेटा, मान लेते हैं कि ये जो है ये राइट एट्रियम है, ये राइट एट्रियम है बेटा और ये लेफ्ट एट्रियम है, ठीक, और ये जो है राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है, ठीक, समझ में आया। तो देखो इस राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम में बेटा सुपीरियर वेना केवा ओपन होती है। अब ये देखना है थोड़ा आपको, ये राइट एट्रियम पाउच लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, पाउच के जैसा स्ट्रक्चर है, ऐसा है ना, इसमें अंदर जगह है, खाली स्पेस है, वॉल्यूम है इसका कुछ, ठीक है, और ये है वॉल, ये जो मेरे पाम हाथ का जो वॉल है वो हार्ट की वॉल समझ लो, राइट एट्रियम की, ऐसे बंद है चारों तरफ से। इसमें ऊपर से बेटा यहां से एक ट्यूब आ रही है, ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोल रहे हैं, राइट सॉरी सुपीरियर वेना केवा, और वैसे ही नीचे से इसके एक आ रही है तो इसको बोलेंगे इंफीरियर वेना केवा। तो ये यहां पर क्या है, ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा, और यहां पे अगर देखेंगे तो ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ठीक है, लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन में दिखाई देगा एक्चुअली ये। वैसे ही बेटा, वैसे ही यहां पर एक ओपनिंग होती है, यहां पर एक ओपनिंग है और यहां पर एक ओपनिंग है, देख रहे हो, तो इसको बोलते हैं ओपनिंग ऑफ
ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना कैवा, और इसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना कैवा, एंड दिस इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन की आर्टरी, वेन की आर्टरी, बोलो 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 आप, वेन, शाबाश बेटा मोहित, बहुत बढ़िया, वेरी गुड. दिस इज ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन, ठीक है, ओपनिंग ऑफ, ओपनिंग मैंने लिखा नहीं, ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन, ठीक है. और बेटा यहां पर मैंने आपको बताया था ऑक्सीजनेटेड एंड डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिक्स होता है बेटा, ठीक है ना, मिक्स होता है. तो देखो यहां पे एक होल है, यहां पे क्या है बेटा, एक होल है जिसको हम दिल का छेद बोलते हैं, दिल में छेद बोलते हैं, इम्ब्रियोनिक स्टेज में होती है, आफ्टर बर्थ ड्यूरिंग फर्स्ट ब्रीदिंग ये बंद हो जाता है, नाइट्रिक ऑक्साइड बनता है, आपको मैंने बताया था ब्रीदिंग वाले चैप्टर में, ठीक है ना, फर्स्ट ब्रीदिंग में. इसको बोलते हैं बेटा जब ये बंद है तो इसको बोलते हैं फोसा ओवैलिस, जब ये क्लोज हो जाता है तो इस डिप्रेशन को बोलते हैं बेटा फोसा ओवैलिस, क्या बोलते हैं, जब ये बंद हो जाता है तो इसको बोलते हैं बेटा फोसा ओवैलिस. लेकिन इम्ब्रियोनिक स्टेज में क्या बोलते हैं, फोरामेन ओवैलिस, फोरामेन मतलब होता है बेटा होल, फोरामेन मतलब होल. इन इम्ब्रियोनिक स्टेज इसको बोलते हैं बेटा हम फोरामेन ओवैलिस, फोरामेन ओवैलिस, ठीक बात है, ठीक है. अब है बेटा यहां पर और यहां पर दो वॉल्व होते हैं, याद रखना वॉल्व और स्फिंक्टर का फंक्शन सिमिलर है, स्ट्रक्चर दोनों का डिफरेंट होता है, फंक्शन में भी थोड़ा सा डिफरेंस है. फंक्शन में डिफरेंस यह है बेटा कि स्फिंक्टर जो होता है वो बैक फ्लो को अलाउ कर सकता है, बिकॉज स्फिंक्टर इज रेगुलेटेड बाय पीएच, पीएच अराउंड स्फिंक्टर, समझ रहे हो. बट वॉल्व ऐसा नहीं है, वीडियो डू नॉट, वॉल्व डू नॉट अलाउ, हाँ बिल्कुल बेटा, वॉल्व कभी बैक फ्लो को अलाउ नहीं करता, ठीक बात है, कभी नहीं. तो बेटा यहां पर भी एक वॉल्व है, यहां भी एक वॉल्व है और यहां भी एक वॉल्व है, दोनों जगह वॉल्व है. इन दोनों वॉल्व को हम क्या बोलते हैं, एक साथ इन दोनों वॉल्व का बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड, बिल्कुल सही बात है बेटा, यहां पे ट्राइकस्पिड और यहां पे दो फ्लैप बना दूं मैं ऐसा, लेकिन इनको बोलेंगे बेटा, ये दोनों एट्रियम है, ये दोनों वेंट्रिकल है, तो एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे इसको, क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे इसको, एट्रियो वेंट्रिकुलर वॉल्व बोलेंगे, और इसी को बोलते हैं बेटा हम ए वी वॉल्व, ठीक है. ये दो तरह के होते हैं, एक राइट और एक लेफ्ट, राइट और एक लेफ्ट, ठीक है. तो राइट वाले को क्या बोलते हैं बेटा हम, ट्राइकस्पिड वॉल्व, और लेफ्ट वाले को बोलते हैं बेटा हम बाई कस्पिड वॉल्व. बाइकस्पिड, हाँ
बाइक स्पीड वॉल्व का एक नाम और है बेटा, मिट्रल वॉल्व। इसको और क्या बोलते हैं बेटा हम? मिट्रल वॉल्व। हाँ बिल्कुल 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 सही बात है, मिट्रल वॉल्व भी इसको हम बोलते हैं। और एक चीज और है, क्या चीज में? हाँ देखो, जो कोरोनरी ओपनिंग ऑफ कोरोनरी आर्टरी है बेटा, इट इज आल्सो प्रिवेंटेड बाय अ वॉल्व कॉल्ड थिबासियन वॉल्व। क्या बोलते हैं इसको? थिबासियन वॉल्व, याद रखना। कोरोनरी ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन इज प्रिवेंटेड बाई या गार्डेड बाई ओपनिंग ऑफ कोरोनरी वेन इज गार्डेड बाई अ वॉल्व कॉल्ड थिबासियन वॉल्व। ठीक है। और एक चीज और है, ये जो है ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा, ओपनिंग अब समझना पड़ेगा इसको थोड़ा सा बेटा। ये देखो ओपनिंग ऑफ सुपीरियर वेना केवा है, तो यूजुअली यहाँ पे जो सुपीरियर वेना केवा ब्लड लेके आती है बेटा, वो बॉडी के अपर पार्ट से आती है। तो जब हम लेटे भी हैं अगर, तो बहुत ज्यादा प्रेशर, मतलब उल्टा इधर ही को प्रेशर है, प्रेशर इधर को है, तो ब्लड आ ही जाएगा, अपने आप आ जाएगा, समझ रहे हो। लेकिन अब बॉडी के लोअर पार्ट से इंफीरियर वेना केवा ब्लड लेके आ रही है बेटा ऐसे, तो ब्लड ऐसे लेके आ रही है, मान लो हार्ट पंप कर रहा है ऐसे, ठीक है ना। तो ब्लड को रिसीव तो उसने किया, लेकिन जैसे ही एट्रिया कांटेक्ट करेगी वो बाहर जा सकता है थ्रू द इंफीरियर वेना केवा। तो बाहर न जाए इसके लिए बेटा, प्रिवेंशन के लिए, बैक फ्लो को रोकने के लिए, ठीक है, एक वॉल्व होता है इस्टूशियन वॉल्व, जो केवल इंफीरियर वेना केवा में होता है, इन सुपीरियर में नहीं होता। तो इसको बोलते हैं बेटा ओपनिंग ऑफ इंफीरियर वेना केवा इज गार्डेड बाई यूस्टिशियन वॉल्व, EUSTACHIAN, यूस्टिशियन वॉल्व। तीन मैंने बताया, मिट्रल वॉल्व, थिबेसियन वॉल्व, एस्टिशियन वॉल्व। याद रखना है भाई इसको, अच्छी तरह से याद रखना है, भूलना नहीं है, ठीक है। अच्छा, ये जो सेप्टम है बिटवीन एट्रिया एंड वेंट्रिकल, उसको बोलते हैं बेटा एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। तो ये हो जाएगा राइट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम और ये हो जाएगा लेफ्ट एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। बिल्कुल सही बात है नवदीप बेटा, इसको बोलेंगे लेफ्ट ए बी सेप्टम। ठीक बात है, इसको राइट ए बी सेप्टम, और इसको क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। क्या बोलेंगे? इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, अब देखो इसके आगे का देखते हैं दूसरे डायग्राम में, है ना। इसको मैं इरेज करूंगा, अब मिटाऊंगा इसको, इसके आगे का दूसरे डायग्राम में देखते हैं। चलो बेटा एक और डायग्राम बनाते हैं छोटा सा। ये मान लीजिए कि ऐसे नहीं, ये कुछ
बेटा ये ट्राइकस्पिड है और ये है बाइकस्पिड वॉल्व, मीन्स मिट्रल वॉल्व, राइट। हमने एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम को नहीं दिखाया अभी, उसका रीजन देख लो, मैं बता रहा हूं कि क्या है रीजन उसका। बेटा ये जो हार्ट की वॉल है, हमने लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन काटा हुआ है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन है ये, ठीक है। तो इसमें हमें हार्ट की वॉल दिखाने के लिए, देखो बेटा इधर देखना, जरा मार्कर पे ध्यान देना, इधर मैं इसको ऐसे फोल्ड करने जा रहा हूं बार बार, देखो इरेगुलर फोल्डिंग है, दिख रहा होगा आपको अच्छी तरह, दिख रहा होगा मेरा मार्कर, देखो ठीक है। ये ऐसे ही इधर भी बनाएंगे, ऐसे भी इधर भी बनाएंगे बेटा, देख देखा। तो ये हार्ट की वॉल है, ये हार्ट की वॉल है, ठीक है। इधर भी मैं कर रहा हूं, देखो इस तरह से एक फोल्डिंग है का हार्ट की वॉल की, देख रहे हो, इधर भी है और इधर भी है, देखो यूं ऐसे फोल्डिंग है। तो ये जो बीच में पूरा का पूरा जो स्ट्रक्चर देख रहे हो आप, इसको हम क्या बोल रहे हैं, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम, इसका नाम हम लिख रहे हैं बेटा इंटर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक बात है। और फोल्डिंग्स ऑफ हार्ट वॉल, ये जो फोल्डिंग्स हैं बेटा, एक्चुअल में ये जो फोल्डिंग्स हैं इसका एक नाम है बेटा, आपको थोड़ा सा ये लर्निंग पोर्शन है, इसको याद ही करना है, दूसरा कोई उपाय नहीं है इसका। दो दो तीन नाम है बस, इसको याद करना है आपका, कॉलमनाई कॉर्नियाई, देखो कॉलमनाई कॉर्नियाई, ठीक है। या इसी का दूसरा जो नाम है वो है बेटा मस्कुली पैक्टिनी, मस्कुली मस्कुली पैक्टी पैक्टी नी टाई, NITAE, NITAE, या इसी का दूसरा नाम है बेटा ट्यूबेकुली कॉर्नियाई, ट्यूबेकुली कॉर्नियाई, ठीक है। ट्यूबैकुली, इसमें थोड़ा सा कंफ्यूजन है, इसको अभी मत लिखो, मैं अभी बता दूंगा। एक्चुअल में है क्या, इसकी डेफिनेशन क्या होगी जो मैंने अभी लिखा है, इट इज अ मस्कुलर प्रोजेक्शंस और रिजेस फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड द वेंट्रिकल्स, ठीक है। एक्चुअल में ये है क्या बेटा, यहां पर मैं लिख देता हूं, मस्कुलर, ये क्या है, मस्कुलर प्रोजेक्शंस और रिजेस, मस्कुलर, देखो ये मस्कुलर प्रोजेक्शन है फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, इधर से इधर के तरफ, बाहर से अंदर के तरफ, समझ में आया बात, यहां तक क्लियर है, क्लियर है यहां तक, तो लिखो लिखो बेटा जल्दी जल्दी लिखो फटाफट, क्लियर है यहां तक, ठीक है। तीन नाम है इसके, एक तो कॉलमनाई कॉर्नियाई है, मस्कुली पेक्टिनी है, या इसका नाम है बेटा इसको इसका ट्रेबेकुली, ये ट्रेबेकुली में थोड़ा सा ट्रेबेकुली, इसको भी लिख ही देता हूं, इसका दूसरा नाम है ट्रेबेकुली, ऐसे कॉर्नियाई, ठीक है। अब ये देखो इधर, ये बाइकस्पिड वॉल है और ये है ट्राइकस्पिड वॉल। आप एक बात बताओ,
ये है मान लो एट्रियम और यहां पे वॉल्व है, ठीक है, यहां आप दिख रहा होगा यहां पे वॉल्व है। जब ये एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा बेटा तो ब्लड यहां से यहां जाएगा, फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल जाएगा। लेकिन बेटा इमेजिन करो कि जब वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा, मतलब जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ऐसे, तो इस वॉल्व को उल्टा भी तो कर सकता है ऐसे, नहीं वॉल पे प्रेशर, वॉल्व ऐसे है, फ्लैप फ्लैप इधर को है, तो अगर इधर नीचे से प्रेशर आया अगर, तो ये उल्टा ऐसे नहीं हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, तो वॉल्व ओपन हो जाएगा बेटा, ठीक है, वॉल्व टूट सकता है ड्यूरिंग कॉन्ट्रैक्शन ऑफ वेंट्रिकल्स। तो कोई ऐसी मसल्स होनी चाहिए बेटा जो इस ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व को वेंट्रिकल्स के तरफ अटैच करके रखे, पकड़ के रखे, कुछ धागे जैसा होना चाहिए, है ना, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कुछ होना चाहिए जो इसको पकड़ के इधर के तरफ इसको बांध के रखे, ठीक है ना। और वो बिल्कुल पुरकिंजे फाइबर्स नहीं बेटा, ना 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 ना, पुरकिंजे फाइबर्स का नाम अभी लेना भी मत, अभी नहीं लेना है, क्योंकि वो नोडल टिश्यू है बेटा, वो बीटिंग में हेल्प करते हैं, अभी हमने बीटिंग पढ़ाया ही नहीं आपको, समझ रहे हो, पुरकिंजे फाइबर्स नहीं बोलना है, ठीक है ना। तो ये जो मसल्स होती हैं बेटा, मसल्स जो होती हैं, कुछ मसल्स यहाँ पे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व से लगी हुई हैं, और ये फाइबर्स लाइक हैं, देखो थ्रेड लाइक, आप देख रहे हो थ्रेड लाइक हैं यूं, ठीक है, इन मसल्स को बोलते हैं बेटा। हाँ किसी नवदीप ने सही लिखा है, इसका नाम है बेटा कॉर्डाई टेंडिनाई, कॉर्डियाई टेंडिनाई, टेंडिनी इस मसल्स को बोलते हैं, ठीक है। और इसको पकड़ने वाली मसल्स विच कनेक्ट कॉर्डियाई टेंडिनाई टू हार्ट वॉल इज कॉल्ड पैपिलरी मसल्स, क्या बोलते हैं उसको, पैपिलरी मसल्स। ये देखो बेटा अगर दिख रहा होगा डायग्राम में, तो ये ऐसे कार्डियक हार्ट के वॉल से कनेक्ट कनेक्टेड हैं, इसको बोलते हैं बेटा हम पैपिलरी मसल्स, पैपिलरी मसल्स, ठीक है। तो बेटा एक्चुअली कार्डियक टेंडिनाई प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, तो यहां पे आप लिख लोगे कार्डियक टेंडिनाई में लिख लोगे प्रिवेंट प्रिवेंट बैक फ्लो ऑफ बाई एंड ट्राई कस्पिड वॉल, बाई एंड ट्राई कस्पिड वॉल बैक फ्लो को रोकता है। वैसे अकेला यही नहीं रोकता, ये भी तो है, ये भी तो है, सारे मिलके करते हैं काम, ठीक है, पेपरी मसल्स। अब एक चीज और है, स्मॉल कैविटी विद इन द हार्ट वॉल फॉर्म्ड बाई हार्ट वॉल। जैसे देखो ये ऐसे आया तो यहां पे एक कैविटी बनी, यहां पे ऐसे आया तो यहां पे एक कैविटी बनी, क्या यहां पे कैविटी बनी क्या, तो ये स्मॉल कैविटीज हैं विद इन द हार्ट वॉल, ठीक है, इसको हम बोलते हैं बेटा फिशर्स, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको, फिशर, फिशर एक्चुअल क्या है बेटा, स्मॉल स्पेसेस इन इन एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स, एट्रियम एंड वेंट्रिकल्स दोनों में, उसको हम फिशर बोलते हैं, FISSURE, फिशर, ठीक है। क्या यहां तक आप लोगों का क्लियर है, यहां तक बिल्कुल क्लियर है, कोई डाउट किसी को भी, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ ले, अभी रिपीट नहीं होगा फिर,
अभी चाहे जितना मर्जी पूछ लो, क्लियर है, बहुत अच्छा, वेरी गुड, बहुत बढ़िया। फिशर इन स्पेसेस बिटवीन रिजेस, हाँ बेटा रिजेस, नहीं 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 बिटवीन रिजेस नहीं, बिटवीन रिजेस नहीं, इसको बोलेंगे बेटा फिशर आर फॉर्म्ड बाय रिजेस, फिशर्स आर फॉर्म्ड बाय कॉलमनाई कॉर्नियाई, ऐसा भी बोल सकते हैं। फिशर्स आर फॉर्म्ड बाय मस्कुली पेक्टिनिटी भी बोल सकते हैं, मतलब यही तो है, या रिजेस यही तो है जो फिशर को बना रहा है बेटा, ठीक। तो यहां तक क्लियर क्लियर है। अब हार्ट के चेंबर्स को देख लेते हैं थोड़ा, हम हार्ट के चेंबर्स को देख लेते हैं, छोटा सा है लेकिन इससे भी क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा। मान लेते हैं कि ये हार्ट है और इसके चार चेंबर हैं, ये राइट एट्रियम है बेटा, ये लेफ्ट एट्रियम है, ये राइट वेंट्रिकल है और ये लेफ्ट वेंट्रिकल है। अब देख लो इधर, राइट एट्रियम वॉल्यूम वाइज मैं बता रहा हूं, वॉल्यूम ऑफ राइट एट्रियम इज ग्रेटर देन लेफ्ट एट्रियम, लिख लेना इसको जरूर, वॉल्यूम ऑफ राइट एट्रियम इज ग्रेटर देन लेफ्ट एट्रियम एंड वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकल इज ग्रेटर देन राइट वेंट्रिकल, ये आपको याद रखना है, ये याद रखना है आपको, वॉल्यूम ऑफ लेफ्ट एट्रियम इज ग्रेटर देन राइट वेंट्रिकल एंड वॉल्यूम ऑफ राइट एट्रियम इज ग्रेटर देन लेफ्ट एट्रियम, मतलब ये और ये बड़े हैं और ये छोटे हैं, समझ में आया भाई, क्रॉस है, बिल्कुल क्रॉस है। तो सबसे छोटा कौन है और सबसे बड़ा कौन है बेटा, स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ हार्ट वॉल्यूम वाइज स्मॉलेस्ट पार्ट है बेटा लेफ्ट एट्रियम, मतलब ये क्या है बेटा, स्मॉलेस्ट है, और सबसे लार्जेस्ट कौन होगा, ये होगा वॉल्यूम वाइज सबसे लार्जेस्ट यही होगा, ठीक बात है, यहां तक क्लियर हो गया बेटा। तो अब आगे बढ़ते हैं, सर्कुलेशन देख लेते हैं, जो टेंथ में आपने पढ़ा था कि किधर से किधर को सर्कुलेशन होता है।